गाइस यहाँ पे हम लेने वाले हैं ट्रेड, आप देख सकते हैं 0.0। अब हमने बाय प्लेस कर दिए। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ट्रेड प्लेस कर ली और इसके बाद इस प्रकार का यहाँ पे मूवमेंट दिखाने का प्रयास कर रहा है USD GBP, सॉरी EURJBP। EURJBP आप देख सकते हैं 0.01 लॉट साइज से हमने, यहाँ से दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे हम मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई ऑर्डर यहाँ पे लगा देंगे हमारा स्टॉप लॉस लगाने वाले हम दोस्तों 140 लगाते हैं इसको, ठीक है दोस्तों 140 हमारा स्टॉप लॉस हम लगा देते हैं। और हमारा जो नो कनेक्टिव, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा होल्ड कर लेंगे। चलिए स्टॉप लॉस लग चुका हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ से जो आपको रेड 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 लाइन दिख रही होगी यहाँ पे, ये यह हमारा स्टॉप लॉस है। तो यार पहली चीज़ तो हमने गलती की है दोस्तों, क्योंकि ट्रेंड के जो अगेंस्ट में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, सबसे पहली गलती। सेकंड गलती मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कोई ब्रेकआउट वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। अपन ने ऐसे ही तुक्के में यहाँ पे ट्रेड ले ली, तो तुक्के में ट्रेड काम नहीं करते यार। मैंने ओनली यहाँ पे एक चीज़ देखी थी, आप देख सकते हैं यहाँ से जो कैंडल है, यहाँ से स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल मुझे यहाँ नज़र आ रही थी, ठीक है। तो लगा मुझे कि यहाँ से हो सकता है मार्केट ऊपर जा सकता है, ओनली देखी है। दूसरा मैंने यहाँ पर देखा था RSI को थोड़ा सा, तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रेड ली थी। बट हमारा यहाँ से स्टॉप लॉस के चांसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से बैक टू बैक रेड कैंडल बनती चली जा रही है, ठीक है गाइस। तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा देखते हैं दोस्तों क्या मूवमेंट होता है यहाँ से। मुझे लगता है कि लगभग स्टॉप लॉस ही हिट हो गया, और आगे से हम लोग जो गलती दोस्तों कर रहे हैं वो गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा छोटा सा अमाउंट है, आप देख सकते हैं हमारा $20 था, उसमें से कल माइनस हो गया था लगभग $1.5 कल माइनस हो गया था, और आप देख सकते हैं आज भी हो जाएगा तो फिर यार कहीं ना कहीं हमारे लिए दिक्कतें खड़ी हो जाएगी, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा ये छोटा से अमाउंट कब खत्म हो जाएगा यहाँ पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है भाई साहब यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं बिल्कुल बैक टू बैक रेड कैंडल बना रहा है यहाँ पे, तो स्टॉप लॉस हिट होना पक्का है, तय है, ठीक है भाई। तो ठीक है यार स्टॉप लॉस हिट हो जाने दें, क्या करें हमारा, या फिर बीच में ही क्लोज करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा देख लेते हैं, हो सकता मार्केट करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। थोड़ा सा देख लेते हैं, हो सकता मार्केट यहाँ से बैक चला जाए, या फिर स्टॉप लॉस हटाते हैं हम, क्या करें, स्टॉप लॉस तो नहीं हटाएंगे हम। यहाँ से ऑक्टा एफएक्स के अंदर जाएंगे, यहाँ से स्किप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं $19.46 हमारा है, यहाँ ट्रेड पे चलेंगे हम, ऑक्टा एफएक्स के अंदर जाएंगे। चलिए यहाँ पे चलते हैं, देखिए 131 के आसपास यहाँ पे चल रहा है, ठीक है 28, यानी कि आप देख सकते हैं 1.55, ठीक है पॉइंट का हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है। सो गाइस यहाँ पे अभी 1.33 के आसपास अभी मार्केट चल रहा है। चलते हैं हम चार्ट में, थोड़ा सा चार्ट में समझ लेते हैं। चार्ट का सिनेरियो कुछ इस प्रकार दिख रहा है, इसका बिल्कुल बहुत खतरनाक तरीके से नीचे जाना शुरू कर रहा है, ठीक है 141 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हमारा हिट हो चुका है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा 145 था, एक पॉइंट एक्स्ट्रा ले चुका है EURJBP हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। तो ये बहुत ही बैड न्यूज़ है हमारे लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कल भी हमारा लॉस हुआ था 1.07 और आज लॉस हुआ है 1.56। गाइस हमारा एक छोटा सा अमाउंट यहाँ पे लगा था हमने ओनली $20, और आप देख 17 डॉलर के आसपास यहाँ पे बढ़ता है, तो यार बहुत ही हमारे लिए बैड न्यूज़ है गाइस। आगे हम थोड़ा सा संभाल के ट्रेडिंग करेंगे, और यार बस ऐसे ही टुक्के में काम नहीं होते यहाँ पे, ठीक है कुछ चीज़ें और भी कंफर्म करना होती है, क्योंकि यहाँ से फॉरेक्स मार्केट है, ये बहुत ज़्यादा अप डाउन होता है। तो आज की ट्रेड में आप देख सकते हैं हमारे लिए आज भी लॉस हुआ है, तो यार गाइस मैं आपसे भी यही कहूँगा, आगे जब भी अगर आप ट्रेड करें तो थोड़ा एक अच्छे एनालिसिस के साथ ट्रेड करें, और ट्रेंड को फॉलो करें। हम लोग ने
हमने यहाँ ट्रेंड को भी फॉलो नहीं किया था, इसकी वजह से भी हमारा लॉस हुआ है। तो आगे से हम ट्रेंड को भी फॉलो करने का प्रयास करेंगे और कुछ चीज़ों कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइज वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि काफ़ी सारे हमारे जो मित्र होते हैं वो इसी प्रकार की गलतियाँ करते हैं जैसे कि हमने की है। ठीक है गाइज, आप देख सकते हैं हमने दो बार ट्रेड लिया है, हालांकि कल की ट्रेड में इतनी बड़ी गलती नहीं थी, कुछ दो तीन कन्फर्मेशन वहाँ से हमने लिए थे, बट मार्केट हमारे जो स्टॉक सॉरी टेक प्रॉफिट लगा था वहाँ तक मार्केट पहुँचा नहीं और बीच में से ही बैक हो गया था। ठीक, तो ये रहा कुछ आज का। तो गाइज चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे हम एक अच्छे से ट्रेड लेने का और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बनाने का। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर आपको नई और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।